सियासतदान तो अभी दूसरी जंग लड़ रहा है, तो जंग ही दूसरी जंग लड़ रहा है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं हमसे। वो उसको क्या मालूम कि आटा 300 वाला 850-900 का कैसे हो गया, उसको नहीं मालूम कि ये 90 रुपए वाला पेट्रोल 250, 260, 270 कैसे हो गया, उसका क्या इंटरेस्ट है यार। आप किन चक्करों में लगे हो यार, ये हमारी तुम्हारी लड़ाई थोड़ी है यार कि फलाने ने क्या ट्वीट कर दिया और फलाने ने क्या ट्वीट कर दिया। अरे घर में आटा नहीं है यार, 50 रुपए का पेट्रोल डालने के बाद बंदा हैरत में आ जाता है, अरे 50 को तो आधा लीटर पेट्रोल आता था, फिर वो टंकी में यू करके देखता है, बोलता है खत्म। 100 रुपए का पेट्रोल डलवाएगा तो जानवर कैसे खरीदेगा भाई, आधा पाव पेट्रोल नहीं आ रहा, 50 रुपए का आधा पाव कहाँ ला के छोड़ा है लोगों को हसन भाई, मार दिया लोगों को, खत्म कर दिया, डेट चैप्टर क्लोज है। कौन सी बेरोजगारी में कमी आएगी, नौकरी नहीं है कराची में, सरकारी नौकरी आप देते नहीं हो कोटे की बुनियाद पे, प्राइवेट नौकरी वाले ने मां बहने कर दी है लोगों की भाई, वो बोल रहा है कि सुबह 9 बजे आते हो रात 9 बजे जाओगे, तनख्वाह आधी मिलेगी, पीछे लाइन लगी हुई ग्रेजुएट लड़कों की, ज्यादा फनकारी की बार। तो भाई यहाँ तो यही होगा जो आप देख रहे हो हालात, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, ज्यादा दिन की बात नहीं है, मुझे ये नजर आ रहा है कि एक साथ 300-300 लोग घुसेंगे दुकानों के अंदर, आटा और दाल उठाएंगे, तेल और चले जाएंगे अपने घरों पे, तुम फांसी पे चढ़ा देना उसके बाद उन भूखों को। जितनी महंगाई कर दी है ये मिडिल क्लास आवाम मर चुकी है, अगर इनको यकीन नहीं आ रहा, इन हुक्मरानों को पकड़ के लाओ, इनको बोलो ये पकड़ो 16,000 रुपए, तुम बोले ना 16,000 में खुशहाल जिंदगी, 20,000 में गुजारो महीना, अबे ये पहले दिन में ही पागल हो जाएंगे, ये तो लोग कैसे जिंदा हैं, घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं, ये अल्लाह को कोई खास फजल है इनके ऊपर। आप खुद सोचो यार, 25,000 रुपए तनख्वाह वाला 22,000 रुपए फ्लैट का रेंट दे रहा है, 3,000 रुपए में ऑफिस भी आ रहा है जा रहा है, राशन भी ले रहा है। आपको वो रौनकें नजर आ रही है, बकरीद में 3 दिन रह गए, कहाँ है वो मनाजिर जो फ्लैटों के नीचे टेंट लगे होते थे, सबके जानवर होते थे, बच्चे बैठे होते थे, कुछ ऐसा नजर आ रहा है, इसलिए इधर देखने आ रहे हैं ना, उनके मोहल्ले में जानवर है नहीं, मोहल्ले अबे लो हमारे डोनर्स यार जो हमें 10-10, 20-20 जानवर देते थे, हम उनको फोन कर रहे हैं सर कब देंगे, बोल रहे अभी मेरे अपने घर में नहीं आया यार। इस शहर में कराची शहर जो रोजगार बांटता था, अभी एक फैक्ट्री ने 4 दिन पहले 4,000 लोगों को निकाला है कोरंगी में, 4,000 लोग बेरोजगार अंधेरा घर में। अभी जब माफियाज बिल भेजेंगी ना यूटिलिटी, पता चलेगा भाई क्या समझ रहे हो, उससे पहले एक और कंपनी उसी रोड के लोगों को निकाल चुकी है 7,000 लोगों को, रास्ता क्या है इनके आगे, कुछ नहीं है रास्ता। आप क्या समझ रहे हो यार, हम शहर के रहने वाले हैं, हमें अफसोस हो रहा है हमारे शहर के, तुम 4,000 लोगों को बेरोजगार कर रहे हो और कोई पूछने वाला नहीं है, हुकूमत की तरफ से कोई अहकाम नहीं आ रहे कि यार आओ फैक्ट्री के मालकान को बुलाओ, क्यों निकाला तुमने 4,000 लोगों को, लो हम तुम्हारा ये नुकसान पूरा करते हैं, इनको रखो अपने पास, लोगों के घर में मौत है यार,